दोस्तों, 10वीं की परीक्षा हर छात्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस पड़ाव के बाद उसे अपनी रुचि और रुझान के अनुसार विषय चुनने की छूट मिलती है। कुछ लोग विज्ञान पढ़ते हैं, कुछ लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्ट्स की पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो 10वीं कक्षा को पास करना एक और लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। हर छात्र 10वीं पास करने के बाद अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे में इंटर या 11th-12th में सही विषय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि किसी ने IAS को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है तो इंटर में उसे कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS बनने के लिए 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें। तो IAS की तैयारी करने वाले छात्रों में अधिकतर छात्र अपनी 10वीं कक्षा के बाद ही IAS की तैयारी के लिए जुट जाते हैं। छात्र 11वीं और 12वीं में ऐसे विषय को चुनते हैं जिनके जरिए वो IAS की तैयारी में अपना ज्यादा समय दे सकें और जिनमें उनका बहुत ज्यादा रुचि भी हो। तो एक समय था जब इंटर और ग्रेजुएशन में आर्ट्स विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों के बारे में लोग ये धारणा बना लेते थे कि वो IAS की ही तैयारी कर रहा होगा, मगर धीरे धीरे ये स्टीरियोटाइप टूट गया और अब इस प्रतिष्ठित सेवा में हर विषय के छात्र सफल होते हैं। तो सच्चाई तो ये है कि IAS बनने के लिए आप इंटर में किसी भी विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। IAS के सिलेबस में एक बड़ा हिस्सा जनरल स्टडीज का होता है और अक्सर हम इसे सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तक ही सीमित मानते हैं। तो ऐसे में किसी IAS एस्पिरेंट्स का आर्ट्स के प्रति जो रुझान है वो स्वाभाविक ही है। उसे लगता है कि यदि वो 10वीं के बाद से ही आर्ट्स की पढ़ाई करेगा तो शायद उसे तैयारी में मदद मिल जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। IAS के सिलेबस में इन चार विषयों के अलावा भी विषय होते हैं और यदि आप क्वेश्चन पेपर को क्यूमुलेटिवली एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, करंट अफेयर से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं के बाद विज्ञान की पढ़ाई करना ज्यादा लाभदायक साबित होगा? ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम IAS के सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को समझने की हमें ज़रूरत है। यदि हम इसे समझे बिना ही तैयारी करेंगे तो शायद किसी भी विषय में सफलता नहीं मिलेगी। सच तो यह है कि यदि आप IAS ऑफिसर बनने के लिए 10वीं के बाद से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपका विषय कोई महत्व नहीं रखता है, मगर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लें। इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन और अपनी पसंद के अनुसार ही अपने विषयों का चुनाव करें। उदाहरण के लिए साइंस से पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश IAS की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो आप इन दोनों फील्ड्स में अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो ये कदम बहुत जरूरी है क्योंकि इससे तैयारी के समय आपके ऊपर बहुत ज्यादा अनावश्यक दबाव नहीं रहता है। तो ये तो सच है कि यदि आप अपनी तैयारी 10वीं के बाद से ही शुरू कर देंगे तो सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, मगर ये कहना कि किसी खास विषय की पढ़ाई करने से ही IAS में सफलता पाई जा सकती है ये भी ठीक नहीं होगा। विषय का चुनाव पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है और हमारी सलाह ये है कि आप भी विषय का चुनाव अपनी रुचि के अनुसार करें। तो याद रखें कि IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको हर विषय की जानकारी होना आवश्यक है और हर विषय के छात्र इसमें सफल भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PGT और TGT चयन परीक्षा के लिए तैयारी तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।